हेलो सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू राम गीत अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से सभी स्कूल पर एग्ज़ाम जो हैं ऑनलाइन हो रही हैं, जिसमें एमसीक्यू प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जितने भी एमसीक्यू प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करें, तो हम क्लास 9th का बिहाइप का जो बिहाइप बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है, द फन दे हैड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर? ऑप्शन ए फ्यूचर वर्ल्ड, ऑप्शन बी पास्ट वर्ल्ड, ऑप्शन सी प्रेजेंट वर्ल्ड, ऑप्शन डी फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। अगर आपने फ्यूचर वर्ल्ड पे टिक किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को ज़रा बारीकी से पढ़िएगा। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी? ऑप्शन ए हेवनली वर्ल्ड, ऑप्शन बी इमेजिनरी वर्ल्ड, ऑप्शन सी रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन थर्ड बोला, व्हाट इज़ वर्चुअल क्लासरूम, क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज डिबेट? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, मार्गी, टॉमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गी। इस चैप्टर में मार्गी के ही बारे में बात किया जाता है, जो मार्गी स्कूल के बारे में नहीं जानती है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी कितने साल की थी भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 ईयर ओल्ड। और द सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ द स्टोरी बीन सेंट इन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2157। तो क्वेश्चन नंबर एट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेशन? ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट चार्ल्स डिकेन, आइजैक असीमो, मिल्टन, नन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आइजैक असीमो। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हु आर मार्गी एंड टॉमी? कजिन, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, नेबर। तो टॉमी जो है मार्गी के घर के बगल में रहता था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नेबर। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन है, हाउ ओल्ड इज टॉमी? अभी हमने देखा मार्गी कितने की, 11 की थी। तो टॉमी जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 13 ईयर ओल्ड था। अब क्वेश्चन 11 है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी क्या पाता है? एक ओल्ड बुक पाता है, जो जिसके पन्ने एकदम क्रिंकल रहते हैं, मतलब कोई बुक जब ज़्यादा दिन से कहीं रखी रहती है तो थोड़ा पीले टाइप पर हो जाती है, और जो पेज होते हैं वो भी थोड़ा क्रिंकल लाइनिंग बन जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी कहाँ पाता है बुक को? इन द पब्लिक लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी, इन हिज हाउस, ऑन द रोड साइड। तो वो कहाँ पाता है? अपने घर के एक एटिक में पाता है ना, जो एटिक क्या बोलते हैं, जिसको हम जैसे जो हमारा वेस्टेज मटेरियल रहता है, जैसे स्टोर रूम जिसे बोलते हैं, स्टोर रूम के जैसा जिसे यूज करते हैं ना, जो रूप के जस्ट नीचे रहता है, उसी को एटिक बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या सही है? इन द हाउस। और क्वेश्चन 13 बोल रहा, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी के लिए क्या ऐसा स्ट्रेंज था उस बुक में? इट्स टाइटल, टाइटल था, इट्स पेजेस, इट्स स्टिल वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन पेजेस, इट्स कलर, क्या था? तो इसका आंसर होगा सी, जो वर्ड थे वो सब प्रिंटेड थे ना, तो उसको लगता था वो अपने कंप्यूटर पे पढ़ती थी, सारे जो वर्ड होते से जो सेंटेंस होते सब मूव करते थे, लेकिन बुक पे सब एक जगह स्थिर रहते थे। तो ये उसे बहुत स्ट्रेंज लगता था। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा? तो इसमें ऑप्शन है टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल रोबोट टीचर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। नाउ 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज टेली बुक? टेली बुक क्या होता है? एन ई बुक होता है, हाँ ई बुक तो होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, वही सेम हुआ, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, वो भी होता है, जो बुक स्टोर्ड होता है, जो वर्ड ऐसे मूव करते हैं इधर उधर। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल, ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें। हाँ सो फ्रेंड, क्वेश्चन 16 बोल रहा, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? स्कूल कहाँ था उसका?
इन ए विलेज, इन ए सिटी और स्कर्ट, इन हर ओन हाउस, इन ए रूम इन हर हाउस वेयर कंप्यूटर वॉज सेटअप। तो जी हाँ, वो अपने घर में ही पढ़ती थी ना, वहीं पे कंप्यूटर सेटअप रहता तो वहीं पढ़ती थी। जिस तरह अभी इस COVID-19 की वजह से हम क्लासेस मोबाइल में कर रहे हैं घर बैठे, बस सेम सीन तो वहीं था। अब 17 बोल रहा है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी। जी हाँ, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये तीनों सब्जेक्ट दोनों बच्चे पढ़ते थे। हाँ, तो अब क्वेश्चन 18 बोल रहा, वेयर डी टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक? भाई हम तो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लेकिन इस समय अब हम भी मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पढ़ते थे? ऑप्शन ए इन द लाइब्रेरी, इन ए स्कूल, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो जाहिर सी बात है भाई, फ्यूचर में है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे, जो आपने चैप्टर में ही पढ़ा है। और क्वेश्चन 19 बोला, हु वेंट टू स्कूल? भाई कौन गया था? अब उस समय कंप्यूटर की दुनिया थी, सब कंप्यूटर पर पढ़ रहे थे, लेकिन स्कूल कौन गया था? मार्गी टॉमी टीचर्स, मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर कौन गया था? जी हाँ, उनके एंसेस्टर। अब 137 साल के आगे की बात हो रही है, तो जो उनके एंसेस्टर पूर्वज थे वो स्कूल गए थे ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स? उन लोगों को कौन पढ़ाता था? अ ह्यूमन टीचर, कंप्यूटर टीचर हु टीचेस मैकेनिकल, रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी। जी हाँ, तो मैकेनिकल टीचर उन लोगों को पढ़ाता था। ये जाहिर सी बात है भाई, अब 137 साल आगे की बात हो रही है, तो कंप्यूटर ही पढ़ाएगा। अभी सोचो, 137 साल पीछे की हम बात कर रहे हैं, अभी हम मोबाइल से या कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ किससे पढ़ेंगे? कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वैसे आपने बुक में भी पढ़ा है। और क्वेश्चन 21 बोल रहा है, विद हुम इज़ द मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्टेड विद? किसके साथ इसे कॉन्ट्रास्टेड किया गया? विद विद अदर टीचर्स, विद ओल्ड टीचर्स, विद ह्यूमन टीचर, विद अदर रोबोट्स? जी हाँ, ह्यूमन टीचर के साथ इसे किया गया ना, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यार। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आई होप डेट वीडियो पसंद की होगी। भाई ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इस समय सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ड्यू टू दिस COVID-19, यू नो वेल। तो आई होप डेट वीडियो पसंद की हो। वीडियो पसंद की हो तो क्या करना ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। ऐसे ही बने रहिए, इस क्लास 9 का पूरा सेशन इस प्लेलिस्ट के साथ पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।